स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिकाज लिटरेचर क्लासेस। होप सो कि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी आप लोगों को। एंड जो आप लोगों ने मॉरल लेसन सीखा लास्ट पार्ट में, आई जस्ट होप कि इन फ्यूचर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। एंड अगर अनोइंगली अनइंटेंशली आप अपनी क्लास में किसी का मजाक उड़ाते होगे, जैसे कि पैगी एंड मैडी को रियलाइज़ नहीं होता है कि वो हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं मेंटली वांडा को, आपको भी शायद मे बी ना पता हो कि आपके मजाक उड़ाने से, मजाक उड़ाना मतलब इट्स अ काइंड ऑफ बुली बेटा, ठीक है ना, आप किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। मे बी वो शो ना कर पाए, बट मे बी वो घर पे वो रोता हो, उसे अच्छा ना फील होता हो, उसे बुरा फील होता हो एंड वो रोता हो। सो ऐसी चीज़ें अगर आपको रियलाइज़ हुई हैं उस चैप्टर के पढ़ने के बाद, तो बेटा जस्ट स्टॉप दैट पर्टिकुलर थिंग, मत करिए, किसी का मजाक मत उड़ाइए। मजाक में भी किसी का मजाक मत उड़ाइए, मे बी आपके लिए वो मजाक हो बट दूसरे के लिए वो मजाक नहीं होगा। जिसका मजाक उड़ रहा है उसके लिए वो कभी भी मजाक नहीं हो सकता। सो लेट्स स्टार्ट विद रिमेनिंग पार्ट। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सेकंड पार्ट है बेटा। तो जहाँ से एंडिंग हुई है, जहाँ से 100 ड्रेसेस के बारे में क्लैरिटी हुई है कि भाई एक्चुअल में वांडा के पास 100 ड्रेसेस थे, मे बी वो एक्चुअल में ड्रेसेस नहीं थे बट ड्राइंग था, लेकिन था एंड वांडा सच बोला करती थी एंड 100 डिज़ाइंस, यार शी वॉज वेरी टैलेंटेड मैन, कि उसने अलग अलग सारे ड्रेसेस जो थे वो बिल्कुल ही अलग थे एक दूसरे से। इतनी क्रिएटिव थी वांडा, बट वांडा के कोई फ्रेंड्स नहीं थे, वांडा से कोई नहीं बात करता था एंड वांडा को हर कोई उसके क्लासमेट्स बुरा फील कराया करते थे। सो व्हाइल द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मेसन अ नोट। मिस मेसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल एंड देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स। अब क्या हो रहा था, एग्जीबिशन चल रहा है ना, सबके ड्राइंग्स लगे हैं, सब एक दूसरे के ड्राइंग्स को देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। अचानक से क्या होता है कि मॉनिटर क्लास का वो प्रिंसिपल ऑफिस से आता है और मिस मेसन को एक नोट देता है। मिस मेसन वो नोट दोबारा मतलब बार बार ही वो नोट पढ़ती हैं, ऐसा लगता है कि उनको यकीन नहीं होता है वो क्या पढ़ रही हैं। और कुछ देर तक वो सोचती हैं उस नोट को देखकर एंड देन वो क्लैप करती हैं टू अट्रैक्ट द अटेंशन कि भाई आप लोग क्या करो, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। अब वो क्या करती हैं, उनको एक अनाउंसमेंट करनी होती है या नोट के बारे में बताना होता है, जिसकी वजह से वो क्या कहती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं, ऑर्डर देती हैं कि सभी लोग अपने अपने प्लेस पे बैठ जाए। व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, मिस मेसन सेड, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडास फादर दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू। एंड जैसी शफलिंग मतलब कि वही पैरों की आवाज़, जब सब लोग होते हैं ना कि दिल्ली सब बैठ रहे हैं तो पैरों की आवाज़ आ रही है, वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, सब अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। तो मिस मेसन क्या कहती है कि मुझे वांडा के फादर की तरफ से एक लेटर मिला है जो कि मैं चाहती हूँ आप लोग को पढ़ के सुनाऊँ। मिस मेसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। अब क्या हो रहा है कि मिस मेसन अभी तुरंत लेटर पढ़ना नहीं शुरू करती हैं, वो क्लास की तरफ देखती हैं, थोड़ा सा चुप हो जाती हैं। तो क्लास की जो लोग होते हैं ना भाई, क्या है, एक्साइटमेंट भी रहती है, नर्वसनेस भी रहती है, लोग मिस मेसन की तरफ देख रहे हैं कि क्या है एक्चुअल में वांडा के फादर ने क्या लिखा है, सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जल्दी से जानना। बट वो क्या करती हैं, जानबूझ के थोड़ा सा और डिले करती हैं, वो अपना चश्मा जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट करती हैं। डेलिबरेटली मतलब बेटा कि जानबूझ कर करना। उनके मैनर से क्या पता चलता है, इंडिकेट क्या होता है कि जो लेटर है वांडा के फादर की तरफ से जो आया है वो एक तो इम्पॉर्टेंट मैटर है, कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए सभी लोग बहुत ही ध्यान से मिस मेसन को देखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि वो उस लेटर को पढ़ें। लेटर में क्या लिखा होता है बेटा, डियर टीचर, माई वांडा वॉज विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जैक ऑल्सो, नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, नो मोर हॉलर पॉलक, No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jan Petronsky. छोटा सा लेटर है बेटा, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज देकर जा रहा है। इसमें वांडा के जो फादर है जैन पेट्रॉन्स्की, उन्होंने क्या लिखा है कि वांडा जो है अब स्कूल नहीं आएगी और उसका छोटा भाई जो जेक है वो भी नहीं आएगा, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, एक बिग सिटी में जा रहे हैं, इससे भी बिग सिटी में जा रहे हैं, और अब कोई वांडा को नहीं चिढ़ाएगा। हॉलर मतलब कि बेटा बहुत तेज़ आवाज़ में शाउट करना, किसी को नाम से चिढ़ाते हो ना। पॉलक मतलब कि पॉलिश लोगों को बेटा
एक गलत अपशब्दों से इस्तेमाल किया हुआ जो ये शब्द है अपशब्द माना जाता है पॉलिश लोगों के लिए। जैसे कि हम मुस्लिम्स में अगर कोई किसी का मजाक उड़ाना है, कोई दूसरी रिलीजन मजाक उड़ाती है तो किस तरीके से माना, तू तो मियाँ है, तो हमें बड़ा बुरा लगता है अगर ये वर्ड का यूज़ होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये अपशब्द है हमारे लिए। सिमिलरली पॉलिश जो है उनके लिए जो पॉलिक वर्ड है वो बहुत ही अपशब्द कहलाते हैं। सो जैन पेट्रॉन्स्की कहते हैं कि अब कोई उसको उसको गलत गलत नाम से नहीं चढ़ाएगा, उसको पॉलिक नहीं कहेगा, क्योंकि हम जो बिग सिटी में जा रहे हैं ना वहाँ पे बहुत सारे फ़नी नेम्स हैं, और जब बहुत सारे फ़नी नेम्स होंगे ना तो कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, इसीलिए हम जा रहे हैं हमेशा के लिए। एंड एंड करते हैं अपना लेटर। A deep silence met the reading of this letter. Miss Messon took off her glasses, blew on them and wiped them on a soft white handkerchief. अब क्या करती हैं, पूरी क्लास शांत हो जाती है। मिस मैसन क्या करती हैं, अपना चश्मा निकालती हैं, उसको उस पर ब्लो करती हैं, जैसे चश्मा साफ करते हैं लोग, उसे फूंकती हैं एंड एक बहुत ही सॉफ्ट हैंकरचिफ से, रुमाल से वो पोंछती हैं उस ग्लासेस को, एंड फिर वो लगाती हैं चश्मा और क्लास की तरफ देखती हैं एंड बहुत ही धीमी आवाज़ में कहती हैं, आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिब्रेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी लॉन्ग एंड अनफेमिलियर वन। मिस मैसन कहती है कि मैं श्योर हूँ कि रूम नंबर 13 के जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उन्होंने जान मुझ के विथ पर्पज ये काम नहीं किया होगा, कर ही नहीं सकते, किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं जस्ट बिकॉज कि उसका नाम अलग है या अनफेमिलियर है या लंबा है, ऐसे कोई मजाक नहीं उड़ा सकता है। आई प्रेफर टू थिंक दैट वॉट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस। मैं प्रेफर करती हूँ, मैं ये मानती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ कि अगर किसी ने नाम से बुलाया भी होगा सो उसके मन में बांडा की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं होगा, उसने सोचा भी नहीं होगा कि पांडा की फीलिंग्स उससे हर्ट हो जाएगी, जानबूझ के किसी ने नहीं किया होगा। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। मुझे पता है कि ये न्यूज़ जानने के बाद कि पांडा हमेशा के लिए जा चुकी है, मैं जो फील कर रही हूँ आप भी वही फील करते होगे, आपको बुरा फील हो रहा होगा एंड बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत बुरी बात है कि हमारे स्कूल में एंड रूम नंबर 13 में ये चीज़ हुई। अनफॉर्चुनेट है, सैड है, लेकिन मैं चाहती हूँ बेटा कि इस चीज़ पर आप सोचो, आपने क्या किया है आप सोचो। कितनी ब्यूटीफुली जो मिस मैसन है वो डांटती नहीं है, वो मारती नहीं है, क्योंकि कोई एज बड़ी नहीं होती है ना, 15, 16, 17 या 20 इयर्स एज के बच्चे नहीं है, बल्कि छोटे बच्चे हैं एंड छोटे बच्चों को आप प्यार से समझा सकते हो, उनकी मिस्टेक्स को रियलाइज़ करवा सकते हो। सिमिलरली जो मिस मैसन है वो बहुत ही प्यार से समझाती हैं कि आई नो कि अगर किसी ने ये काम किया भी होगा तो विदाउट हैविंग एनी बैड इंटेंशन, पांडा की फीलिंग को हर्ट करने के लिए नहीं किया होगा, गलती उनसे हो गई होगी, लेकिन गलती हुई तो है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बारे में सोचो और अगली बार ये चीज़ ना हो। द फर्स्ट पीरियड वॉज स्टडी पीरियड। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। जब गिल्ट की जो फीलिंग होती है ना बेटा, पछतावे की जो फीलिंग होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, आपको बहुत बुरा फील होता है कि आपने अनजाने में किसी के साथ बहुत बुरा कर दिया, इतना बुरा कि आपकी वजह से कोई स्कूल छोड़ के चला गया। एंड मैडी भी बच्ची है, बहुत ही इनोसेंट सी है, उसका बिल्कुल इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करने का, सो वो अपने लेसन्स पे ध्यान नहीं दे पाती है एंड बहुत ही बुरा उसको फील होता है। ट्रू शी हैड नॉट, ये ट्रू था कि उसने कभी इंजॉय नहीं किया था, जब भी पैगी वांडा से उसके ड्रेसेस के बारे में पूछा करती थी या कभी भी मजाक उड़ाया करती थी, लेकिन ये भी ट्रू है कि कभी भी मैडी ने सपोर्ट नहीं किया। एक बात रियलाइज करिए बेटा कि अगर आप जुल्म करने वाले के साथ हो और आप चुपचाप देख रहे हो किसी पे जुल्म हो रहा है, सो आप भी उतने ही जुल्म के भागीदार हो जितना कि जुल्म कर रहा है। ऑलवेज टेक अ स्टैंड, ऑलवेज रेज योर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। अगर अपनी वॉइस को आप रेज नहीं कर रहे हो, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो आप भी गलत कहलाओगे। एंड एहसास होता है मैडी को कि मे बी मैंने कोई मजाक नहीं उड़ाया, कभी ड्रेसेस के बारे में नहीं पूछा, और पैगी जब मजाक उड़ाया करती थी तो मैं कभी भी अच्छा नहीं फील किया करती थी, मैं एंजॉय नहीं करती थी, बट जो मैंने किया वो भी गलत था, और मैंने क्या किया, मैं चुप रही, मैंने आवाज़ नहीं उठाई, मैंने फाइट नहीं किया।
सॉरी वेयर वॉज आई यार ओके हाँ शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन. वो चुपचाप खड़े रहती थी, चुपचाप देखा करती थी. एंड मैडी को ये एहसास था कि जितना पैगी बुरा करती थी उतना वो भी बुरा करती थी चुप रह के. शी वॉज कावर्ड. हाँ एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसीडर्ड दे वर बींग मीन, बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग. शी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडा शूज. अब क्या कहती है कि पैगी को कभी नहीं लगता था कि वो गलत कर रही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड मैडी को ये पता था कि हमने गलत किया है उसके साथ. एंड जब वो इमेजिन करती है कि अगर मैं वांडा की जगह पे होती तो मुझे कितनी तकलीफ होती इस तरह से अगर कोई मेरा मजाक उड़ाता तो, गुडनेस वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू. अब उसको बहुत पछतावा हो रहा है कि यार अब मैं कुछ नहीं कर सकती, हे भगवान मैं कैसे माफ़ी मांगूंगी, कैसे वांडा से कहूंगी कि आई हैड नॉट मेंट टू हर्ट हर फीलिंग. मेरा मतलब मेरा कभी भी इंटेंशन नहीं था उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने का. शी टर्नड अराउंड एंड स्टोल. एंड जब वो पीछे मुड़ के चुपके से स्टोल अ ग्लांस, मतलब कि चुपके से पैगी की तरफ देखती कि पैगी क्या कर रही है, तो पैगी क्या करती रहती है, पैगी चुपचाप से अपनी पढ़ाई करती रहती है. एंड पता नहीं मैडी को ये लगता था कि पता नहीं पैगी बुरा फील कर रही है कि नहीं कर रही है, लेकिन मैडी ज़रूर कुछ करना चाहती थी. एंड किसके लिए क्या करना चाहती थी, वांडा के लिए. शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रॉन्स्की. उसे लगता है कि मुझे वांडा पेट्रॉन्स्की से मिलना चाहिए. एंड मे बी शी हैड नॉट येट मूव अवे. ये होप करती है कि अभी क्या पता कि उसकी फैमिली शिफ्ट ना हुई हो बिग सिटी में, तो क्या पता मैं उससे मिल पाऊँ, उससे माफ़ी मांग पाऊँ, उसे बता पाऊँ कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है एंड उसकी जो डिज़ाइंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. मे बी पैगी, हो सकता है कि पैगी भी मेरे साथ चले बॉगिन हाइट्स पे एंड हम वांडा से मिले और वांडा को बताएं कि शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट एंड दे थॉट शी वॉज स्मार्ट. एंड ये भी बताएं कि हम सोचते हैं कि वो बहुत स्मार्ट है, बहुत ही क्रिएटिव है एंड उसके सारे 100 ड्रेसेस बहुत ही ब्यूटीफुल हैं. सो ये मैडी चाहती थी दिल से. व्हेन स्कूल वाज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून पेगी सेड विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट. पेगी बुरी नहीं थी बेटा, आप बुरा नहीं दिखा सकते, बच्ची थी वो, उसे रियलाइजेशन नहीं था. तो पैगी क्या करती है कि खुल के रियलाइज़ नहीं करती है कि वो भी सॉरी फील कर रही है. सो बहुत ही मतलब प्रिटेंड करके कि मतलब उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कहती है कि चलते हैं बॉगिन हाइट्स. मैडी के बोलने से पहले पैगी क्या कहती है, चलो चलते हैं यार बॉगिन हाइट्स और देखते हैं कि वांडा अभी भी है कि नहीं है. सो पैगी को भी गिल्ट फीलिंग थी उसके अंदर. मैडी की इधर एक्सप्रेसिव नहीं थी, लेकिन पैगी के अंदर भी ये फीलिंग थी कि उसने गलत किया है. सो पैगी had the same idea. Maddie glowed. Peg was really all right. अब जैसे ही पता चलता है कि पैगी भी चाहती है वांडा से मिलना, ग्लोड मतलब कि बहुत खुश हो जाती है मैडी. एंड फिर दोनों क्या करते हैं, टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग. जल्दी जल्दी वो स्कूल से निकलते हैं एंड बॉगिन हाइट्स की तरफ जाते हैं. वो क्या करते हैं, ऐसी एरिया में जाते हैं बेटा जो फॉरबिडिंग है, कभी वो गए नहीं होते हैं, बिल्कुल अननोन प्लेस होता है उनके लिए. और हल्की हल्की बारिश होती रहती है उस दिन. एंड जो वहाँ का माहौल होता है बेटा वो बहुत ही डैम्प एंड डिसमिल होता है. डैम्प एंड डिसमिल मतलब कि एक तो वेट है हल्की हल्की बारिश की वजह से, एंड डिसमिल मतलब कि ऐसा एटमोसफेयर है कि बहुत ही सैड सैड एटमोसफेयर है. आप ऐसी लोकेलिटी में चले जाओ, गरीबों वाली लोकेलिटी में, सो आपको लगेगा कि यार कितना ये फेस करते हैं. सो बहुत ही जो एटमोसफेयर है वो खुशहाल सा एटमोसफेयर नहीं है, बल्कि बहुत ही सैड एटमोसफेयर है. Well, at least said Peggy gruffly. I never did call her foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb and gee, look how she can draw. अब यहाँ पे Peggy जो है वो खुद के action को justify कर रही है. वो क्या कर रही है, खुद को अच्छा फील कराने की कोशिश कर रही है कि हाँ ये तो है कि मैंने कभी उसको foreigner नहीं बोला, outsider नहीं बोला और ना ही मैंने उसके नाम का मजाक उड़ाया. हाँ मैं 100 ड्रेसेस के बारे में पूछा करती थी, लेकिन मुझे क्या पता था यार, कि मुझे लगता था कि वो इतनी डम्ब है, वो इतनी पागल है कि उसको समझ में ही नहीं आएगा कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं. सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, आपको कितना भी लगे कि कोई इंसान कितना भी डम्ब हो, आपको लगे कि यार वो आपकी चालाकियों को नहीं समझ सकता, किसी इंसान को आप टीज कर रहे हो, किसी इंसान का आप मजाक उड़ा रहे हो, चाहे वो इंसान कैसा भी हो, कितना भी मंद बुद्धि का क्यों ना हो, उसको समझ में आ जाएगा कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, आप उसको टीज कर रहे हो, उसको बुरा लगेगा.
सो पैगी का ये सोचना बिल्कुल ही गलत था कि वांडा को एहसास नहीं है इस चीज़ का कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और फिर वो कहती है कि अरे यार देखो यार कैसा डिज़ाइन वजाइन बनाती है, तो खुद के एक्ट को जस्टिफाई कर रहे क्योंकि पैगी का जो गिल्ट है वो उसे कम करना चाह रही है जस्टिफाई करके अपने एक्शन को कि उसको बुरा ना फील हो। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ नहीं कहती है, बस वो होप करती रहती है कि काश हम जब जा रहे हैं बॉगी नाइट्स तो बस वांडा मिल जाए। उसे क्या कहना चाहती थी, शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी, वो क्या कहना चाहती थी कि वो सॉरी फील कर रहे हैं कि पिक्ड ऑन, दे हैड पिक्ड ऑन हर, पिक्ड ऑन हर मतलब कि उसको टारगेट बना के किसी का मजाक उड़ाना, किसी को क्रिटिसाइज करना। सो वो बहुत सॉरी फील कर रहे हैं उसको टारगेट बना के उसको क्रिटिसाइज किया, उसका मजाक उड़ाया गया है। और कितना वंडरफुल जो एंड पूरा स्कूल उसके बारे में कितना अच्छा सोचता है, एंड वो बहुत ही अच्छी लड़की है, एंड उससे रिक्वेस्ट भी करना चाहती थी कि प्लीज़ इस जगह को छोड़ के मत जाओ। वो प्रॉमिस करना चाहती थी कि जब तुम स्कूल में आओगी तो अब सभी लोग तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, एवरीबडी वुड बी नाइस, सभी लोग अच्छे से बिहेव करेंगे, सभी लोग नाइसली बिहेव करेंगे। शी एंड पैगी, अगर कोई बुरी तरह से बिहेव भी करता है तो जो पैगी है और मैडी है वो फाइट करेंगे उसके अगेंस्ट। तो मैडी को बहुत ज़्यादा गिल्ट है एंड वो कुछ करना चाहती है पांडा के लिए, एंड अपने जो एक्ट है, अपने साइलेंस को जिसकी वजह से वांडा छोड़ कर जा रही है स्कूल को, उस एक्ट को वो क्या करना चाहती है, अमेंड करना चाहती है, सुधार करना चाहती है वांडा के साथ कुछ अच्छा करके। द टू गर्ल्स हरिड, अब जल्दी जल्दी वो दोनों गर्ल्स जाती हैं बॉगिन हाइट्स की तरफ कि जल्दी जल्दी वो वापस भी आ सके बिफोर डार्क, रात होने से पहले। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स की स्लीव, एंड उनको एक वाइट हाउस दिखता है एंड मैडी ये अज्यूम करती है कि वही होगा पेट्रॉन्सकी का घर। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास, विस्प मतलब बेटा कि छोटे 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 घास के गुच्छे, तो जिस लाइन में वो जा रहे हैं वो छोटे छोटे घास के गुच्छे हैं वो लाइन में पड़े हुए हैं और उसी के बीच से रास्ता निकला हुआ है, उसी के बीच से जाना है। हाउस कैसा है बेटा, बिल्कुल छोटा सा है, स्पार्स लिटिल यार्ड, मतलब स्पार्स मतलब बेटा कि बहुत छोटा, एक्सट्रीम छोटा। सो उनके घर के आगे छोटा सा गार्डन है जो कि बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में है, लेकिन गंदगी नहीं है, शैबी मतलब ये कह सकते हैं बेटा, शैबी मतलब कि कोई चीज़ का बार बार इस्तेमाल करो। सो वो चीज़ होती है, जब वो घर होता है या वो ड्रेस होता है वो क्या होता है, वॉर्न आउट हो जाता है, उसका कलर फेड हो जाता है। लेकिन पांडा का घर जो है शैबी तो है लेकिन क्लीन है, एंड उसके घर को देखकर मैडी को रियलाइज़ होता है वांडा का वो ड्रेस, जो ब्लू ड्रेस, जो शैबी तो होता है, फेड तो होता है लेकिन क्लीन होता है। अब जब वो घर की तरफ जाते हैं कोई साइन नहीं होता है, कोई घर की आसपास नज़र नहीं आता है, वो नॉक करते हैं, पैगी नॉक करती है डोर में, कोई आवाज़ें नहीं आती है। फिर मैडी और वो पीछे के रास्ते से जाते हैं बैकयार्ड एंड फिर नॉक करते हैं, बट स्टिल देयर वॉज नो आंसर, बट वांडा एंड उसकी फैमिली ऑलरेडी जा चुकी है। देर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रॉन्स कीज वर गॉन, हाउ कुड दे वर मेक एमेंड्स। अब मैडी के दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये आती है कि अब मैं जो अपनी गलती को कैसे सुधारूंगी, कैसे माफ़ी मांगूंगी और कैसे वांडा को अपना दोस्त बनाऊंगी। अब मैडी बहुत ज़्यादा गिल्ट में, उसको अंदर ही अंदर वो गिल्ट खा रहा था। दे टर्न स्लोली, और फिर वो धीरे धीरे अपसेट होके डाउन द हील मतलब अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। पैगी फिर खुद को जस्टिफाई करती है क्योंकि वो गिल्ट वाली फीलिंग अपने अंदर नहीं लाना चाहती है, तो वो क्या कहती है, वैसे तो वो चली गई, वो हम क्या कर सकते हैं, बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, और एक और चीज़ यार, जब मैं उसके ड्रेसेस के बारे में पूछा करती थी तो क्या पता कि यार मेरी ही वजह से उसको अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ जाते हो उस ड्राइंग्स के, तो मे बी यार मैंने तो उल्टा उसका हेल्प किया है, उसको कॉन्टेस्ट में जिताया है। मैडी इस आइडिया को केयरफुली अपने माइंड में रिपीट करती है एंड सोचती है कि शायद यार ये सच हो, शायद हमने अननोइंगली उसकी हेल्प की हो। लेकिन फिर भी जो अंदर गिल्ट वाली फीलिंग थी वो मैडी के मन से जा नहीं रही थी। दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, वो रात, उस रात को वो सो नहीं पाई। She thought about Wanda and a faded blue dress and the little house she had lived in. वो पूरी रात वांडा के बारे में, उसके ड्रेस के बारे में, उसके घर के बारे में सोचती है एंड वो तमाम पिक्चर्स के बारे में सोचती है जो वांडा ने ड्रेसेस बनाए थे, ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम।
एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड। फाइनली जब उसको नींद नहीं आती, अचानक से मैडी बेड पे बैठ जाती है, अपना सर दबाने लगती है एंड बहुत ही ध्यान से सोचती है, बहुत ज़्यादा सोचती है। बेटा मैडी कभी इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में नहीं सोची रहती है जितना वो वांडा के बारे में सोचती रहती है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन एंड बहुत सोच विचार करने के बाद मैडी एक कंक्लूजन पे पहुँचती है। वो क्या पहुँचती है? शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। अब वो एक बहुत बड़ा फैसला लेती है जो कि हर किसी बच्चे को, आप सबको भी एक फैसला लेना चाहिए कि जब किसी के साथ गलत हो सो चुप नहीं रहना है बल्कि आवाज़ उठानी है। और वो डिसाइड करती है कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी। इफ़ शी एवर हर्ड एनी बडी, अगर वो कभी सुनती है कि कोई और किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, बुली कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, स्ट्रेंज नेम से बुला रहा है, सो डेफिनेटली शी वुड स्पीक अप। सो वो ज़रूर बोलेगी, उसके अगेंस्ट जाएगी, इवन इफ मेंट लूजिंग पेगीज़ फ्रेंडशिप। वो इतने अब उसने रेजोल्यूशन, अपने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अगर पैगी भी होगी, अगर किसी का मजाक उड़ाएगी तो भले मैं पैगी की फ्रेंडशिप को लूज कर दूं, लेकिन अब मैं कभी खामोश नहीं रहूंगी अगर किसी के साथ गलत होगा तो। ये एक बहुत बड़ा लेसन मैडी ने सीखा था एंड मे बी जो मैडी है वो हमारी ऑथरी हैं, ईस्टरी हैं, जो जिन्होंने इन फ्यूचर ये स्टोरी लिखी उस वांडा के लिए जिससे वो कभी माफ़ी नहीं मांग पाए मिलकर, लेकिन वो गिल्ट जो था जिसकी वजह से वो स्कूल, उनकी वजह से और उनकी फ्रेंड की वजह से वांडा पेट्रॉन्स की स्कूल छोड़ के चली गई, वो गिल्ट आज भी शायद ईस्टर के मन में है। दैट वॉज द रीज़न दैट उन्होंने ये स्टोरी लिखी थी। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। एंड डिसाइड वो करती है कि अभी शायद उसके पास अब तो कुछ रास्ता नहीं है कि वो वांडा के लिए कुछ कर पाए, उसको खुश कर पाए, उससे फ्रेंडशिप कर पाए, लेकिन आने वाले समय में अगर कोई दूसरी वांडा आती है, दूसरा कोई पॉलिश आता है या दूसरा कोई आयरिश आता है या दूसरी कंट्री से कोई इमिग्रेंट्स आता है एंड उसके नाम का कोई मजाक उड़ाता है, परेशान करता है, बुली करता है, सो मैं किसी को भी अनहैप्पी नहीं होने दूंगी, मैं दोस्ती करूंगी और मैं अच्छे से ट्रीट करूंगी। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी, दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रॉन्स्की। सैटरडे को दोनों डिसाइड करते हैं कि एक लेटर लिखते हैं वांडा पेट्रॉन्स्की को एंड एक फ्रेंडली लेटर है। सॉरी मेंशन नहीं करते उस लेटर में कहीं पे भी, लेकिन इनडायरेक्टली वो सॉरी ही कहना चाहते हैं। एंड उस लेटर में क्या लिखते हैं? बताते हैं कि वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है एंड दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी। एंड वो उस लेटर में वो लिखते हैं कि कितना प्रिटी जो ड्राइंग्स रहते हैं उसके वो रहते हैं, हम बहुत एडमायर कर रहे हैं तुम्हारे ड्राइंग्स को। एंड दे आस्ट, और वो पूछते हैं कि सब वहाँ पे ठीक है कि नहीं है, तुम जहाँ पे रह रही हो बिग सिटी में तुम पसंद तो कर रही हो ना, वहाँ पे टीचर कैसे हैं? तो जैसे कि नहीं एक गुड फ्रेंड किसी गुड फ्रेंड को लिखता है, सो एक फ्रेंडशिप वाला लेटर वो वांडा पेट्रॉन्स्की को लिखते हैं। इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाहते हैं? सॉरी बोलना चाहते हैं वांडा पेट्रॉन्स्की को। दे हैड मेंट टू से दे वर सॉरी बट इट एंडेड अप विद जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव। एंड वैसे तो वो लोग सॉरी लेटर लिखने वाले थे, लेकिन वो लोग लिखते हैं एक फ्रेंडली सा लेटर एंड लास्ट में वो साइन अपना नाम करते हैं एंड बहुत सारे एक्स जो है जो रिप्रेजेंट करता है लव को, वो बहुत सारे एक्सेस बनाते हैं, बहुत सारे लव को वो देते हैं, वांडा पेट्रॉन्स्की की तरफ भेजते हैं। ठीक है, दे मेल द लेटर टू द बॉगेन हाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। अब वो क्या करते हैं, बॉगेन हाइट्स को ये लेटर भेजते हैं उस एरिया के जो पोस्टमैनशिप्स होंगे एंड वो लेटर पे लिखते हैं प्लीज फॉरवर्ड। क्या पता कि पेट्रॉन्स्की के जो न्यू एड्रेस है वो उस पोस्टमैन को पता हो एंड वो ट्रांसफ़र कर पाए वहाँ पर। डेज पास्ट, अब दिन बीतते जाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। लेटर एक चीज़ होती है कि लेटर वापस नहीं आता है, सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट। तो वो क्या सोचते हैं कि वांडा को मिल चुका है क्योंकि वापस लेटर नहीं आया है, और शायद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा एंग्री हो, क्योंकि उसकी जगह पे कोई भी होता तो वो एंग्री और हर्ट होता ही, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते हो, इसलिए शायद वो लेटर का रिप्लाई नहीं किया। वीक्स वेंट बाय और फिर ऐसे ही हफ्ते दर हफ्ते बीत जाते हैं, वांडा जो है होती है उसकी तरफ से कोई आंसर नहीं आता है। पैगी जो रहती है वो पूरे बिजनेस को, जो गिल्ट वाला जो ट्रिप रहता है, पैगी जो रहती है वो भूलने लगती है, लेकिन जो मैडी रहती है वो किसी रात को सो नहीं पाती है एंड हर रात को वो क्या इमेजिन करती है। समटाइम्स क्या होता है बेटा ना कि कभी कभी आप लड़ नहीं पाते हो हक के लिए, सही बात के लिए,
और बहुत अफसोस करते हो, तो आप घर जब आते हो तब रियलाइज करते हो, काश यार मैंने बोला होता, काश मैं हीरो की तरह एंट्री ली होती एंड मैंने सबको चुप करा दिया होता, मैं उस चीज़ को रोक सकती थी बट मैं नहीं कर पाई। सो पूरी रात, हर रात मैडी क्या करती थी, वो सोचती थी कि वांडा का मजाक उड़ाया जा रहा है और अचानक से वो लड़ती है वांडा के लिए, डिफेंड करती है वांडा को। और क्या करती है, हाउ मैनी, जब भी कोई पूछता था वांडा से कि कितने ड्रेसेस हैं, तो वो इमेजिन करती है कि वांडा चुपचाप खड़ी है साइड में और कुछ नहीं बोल रही है, बहुत ही सैड है। तो अचानक सी मैडी आती है और कहती है स्टॉप, मतलब वो रोकती है, वो डिफेंड करती है। अब आप देख रहे हो कितना एक्सट्रीम गिल्ट में मैडी है कि वो उस पूरे होल सिनेरियो को इमेजिन करेगी, काश यार, काश मैंने बोला होता, काश रोका होता लोगों को जब उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। तो देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील, एंड अगर मैंने उस टाइम पे रोका होता तो क्या पता कि बाकी लोग भी उतना ही शर्म महसूस करते अपने एक्ट पे जितना कि वो फील कर रही है उस टाइम पे, जैसा कि वांडा के जाने के बाद वो बहुत गिल्ट में है। नाउ इट वॉज क्रिसमस, फाइनली क्रिसमस का टाइम आ गया एंड क्रिसमस के बाद हर स्कूल्स में बहुत लंबे समय के लिए छुट्टियां होती हैं, सो बहुत अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट होता है क्योंकि क्रिश्चियंस का एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है क्रिसमस। सो क्रिसमस बेल्स बज रहे हैं, स्मॉल ट्रीज डेकोरेट हो रहे हैं क्लासरूम्स में। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, जब छुट्टी से पहले लास्ट डे स्कूल का था, टीचर अचानक से क्लास में आती है एंड एक लेटर रिसीव होता है उसको, इसीलिए वो क्लास में आती है पढ़ने के लिए और बताती है, यू रिमेम्बर वांडा पेट्रॉन्स्की, क्या तुम्हें याद है वांडा पेट्रॉन्स्की, जो गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, जो इतनी कमाल की आर्टिस्ट थी, बॉर्न राइटर थी, जो जिसने ड्राइंग कॉम्पिटिशन जीता था, याद है तुम लोगों को, उसने एक लेटर भेजा है मुझे मेरे नाम पर और मैं चाहती हूँ कि आपको पढ़ के सुनाऊँ मैं, ठीक है ना, सो दैट कि मैं उसको मेडल भेज पाऊँ, और उसने मुझे लेटर भेजा है। सभी सभी जितने बच्चे होते हैं वो जानना चाहते हैं कि भाई वांडा ने क्या लेटर भेजा है। डियर मिस मेसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन क्लोसेट। आई वुड लाइक दैट गर्ल पेगी टू हैव द ड्रॉइंग ऑफ ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग एंड अ फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन फॉर क्रिसमस। आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. Yours truly, Wanda Petronsky. And that shows that ki forgiveness mein kitna power hota hai. Itna sab kuch hone ke baawajood bhi, itni insult ke baawajood bhi, itni humiliation ke baawajood bhi, sabse brave insaan wo hota hai. Uske saath sab kuch ho jaye, lekin wo sabse pehli cheez jo kare logon ke saath, वो ये नहीं कि वो बदला ले, वो ये नहीं कि वो रिवेंज ले, बल्कि वो लोगों को माफ़ कर दे, क्योंकि माफ़ वही कर पाते हैं जो जिनके अंदर एक एक्सट्रीम काइंड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काइंड ऑफ पावर होती है। एंड वो चीज़ किसके अंदर थी, पांडा के अंदर थी। वो प्यार से पूछती है कि रूम नंबर 13 कैसा है, आप कैसे हो, मतलब सारे बच्चे कैसे हैं, एंड सारे गर्ल्स को बोल देना कि जो 100 ड्रेसेस है वो रख लें, क्योंकि मेरे जो न्यू होम है वो ऐसे बहुत सारे 100 ड्रेसेस हैं एंड ऑल लाइंड अप, मतलब कि अपने वो ड्राइंग्स की बात कर रही है जो क्लोसेट में उसके एग्जिस्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ और बोलती है कि आप प्लीज़ पेगी को, जो मैंने एक ग्रीन ड्रेस बनाया है वो प्लीज़ पेगी को दे दीजिएगा, जिसमें रेड ट्रिमिंग है, रेड रिबन्स लगे हुए हैं, एंड मैडी को ब्लू वन दे दीजिएगा। एंड फिर सबको क्रिसमस मिस विश करती है एंड कहती है कि मुझे अपना वो स्कूल याद आता है और जहाँ के जो टीचर हैं वो आपसे अच्छे नहीं हैं, आप जितने अच्छे हो वो उतने लेवल के अच्छे नहीं हैं। उसके बाद वो मैरी क्रिसमस बोल के सभी को एंड कर दी अपना लेटर। सो यहाँ पर वांडा ने सबको माफ़ कर दिया है, उसके मन में कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है किसी के लिए, स्पेशली पेगी एंड मैडी के लिए नहीं, बल्कि वो अपने दो ड्रेसेस जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेसेस थे, ड्राइंग्स थे ड्रेसेस के, वो किसको गिफ्ट करती है, पेगी एंड मैडी को। ये क्या शो करता है बेटा कि उसने माफ़ कर दिया। ऑन द वे होम फ्रॉम द स्कूल मैडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, एंड जब वो वापस जाते हैं तो उन दोनों के हाथ में एक एक ड्राइंग रहता है जो कि वांडा ने गिफ्ट दिया होता है। ऑल द हाउसेज, जब वो वापस जाते हैं तो ये पूरा जो पैरा है बेटा, इसमें दिखाया गया है कि जितने भी हाउसेज होते हैं, रीथ्स एंड होली,
अलग अलग काइंड के डेकोरेशन होते हैं जो विंडोज़ पे लगे होते हैं, एंड ग्रॉसरी स्टोर्स में अलग अलग तरह के क्रिसमस ट्रीज जो रहते हैं वो भरे पड़े रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्रिसमस ट्रीज की जो बिक्री होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड अलग अलग तरह के चॉकलेट्स जो होते हैं, कॉनिक्यूपिश मतलब बेटा की डेकोरेटिव कंटेनर, जैसे नहीं हमारे में बास्केट में बहुत सारे फ्रूट्स रखे जाते हैं, सो उसी तरीके से अलग अलग फ्रूट्स एंड फ्लावर्स का एक बुके बनाकर उसको डेकोरेट करके रखा गया है। सो इस तरीके से पूरा वो क्रिसमस का माहौल रहता है, हर जगह कलरफुलनेस रहती है। क्रिसमस वो जो ना क्रिसमस के टाइम पे जो स्मेल आती है, एक अच्छी सी फेस्टिवल काइंड ऑफ स्मेल आती है, वो सब फील करते हैं पेगी एंड मैटी। बॉय, अब पेगी क्या कहती है बहुत देर बाद, क्योंकि उसको यकीन नहीं होता है कि वांडा ने माफ़ कर दिया। दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, ये शो करता है कि यार वांडा हमें पसंद क्या करती थी। इट शोज शी गॉट आर लेटर एंड दिस इज़ अ वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट एंड दैट्स दैट। और ये शायद वांडा के कहने का तरीका हो कि हम सबके बीच सब कुछ ठीक है एंड सब कुछ भूल जाओ, मैं कोई हार्ड फीलिंग नहीं है, मैंने तुम लोगों को माफ़ कर दिया। अब मैडी क्या कहती है, बहुत ही सैड रहती है मैडी बेटा, क्योंकि वो अभी भी गिल्ट फील कर रही है। क्यों गिल्ट फील कर रही है, क्योंकि वो मिलकर उस पॉलिश गर्ल के साथ वांडा के साथ कुछ ठीक नहीं कर पाई, उसको अपना फ्रेंड नहीं बना पाई, उसको सामने से नहीं बोल पाई कि वो कितनी स्पेशल है। शी वेंट होम एंड शी पिंड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉल पेपर इन द बेडरूम। द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। वो घर जाती है, वो ड्राइंग को पिन करती है अपने ड्राइंग रूम में, एंड जिस तरह का वो रूम रहता है वो इतना कलरलेस रहता है कि जैसे ही वो वांडा के पेंटिंग को पिक्चर को लगाती है एकदम फुल ऑफ कलर्स हो जाता है उसका रूम। जैसे ही वो मैडी लगाकर अपनी जगह पे बैठती है अपने बेड पे, वो ध्यान से उस ड्राइंग को देखती है और अचानक से उसको कुछ नज़र आता है। मतलब एक एक बात तो वो रियलाइज़ करती है, वो क्या रियलाइज़ करती है कि वांडा हमने इतना कुछ किया बट वांडा फिर भी हमारे साथ इतनी नाइसली उसने बिहेव किया, इतनी ईजिली माफ़ कर दिया उसने, और उसकी आंखों में पूरा आंसू भर जाता है और वो बहुत ध्यान से उस पिक्चर को देखती रहती है एंड वांडा को याद करती रहती है। अचानक से वो अपने आंसू पोंछती है एंड वो बहुत ध्यान से ड्राइंग को देखती है। वो ये देखते देखते उसको एक चीज़ नोटिस आती है कि यार मैंने ड्राइंग के चक्कर में, वो इतना ब्यूटीफुल ड्राइंग था कि मैंने ढंग से ड्राइंग का जो पिक्चर है जो लड़की ने पहना है उसको नहीं देखा होता है। और जब वो ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि वांडा ने किसी और को ड्रॉ नहीं किया है बल्कि मैडी को ड्रॉ किया है। मैडी, इट मतलब एक होता है ना कि इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ। जब वो देखती है वो स्पेस को, तो एक्चुअली एकदम एग्जैक्ट वे में वांडा ने मैडी को बनाया होता है। एंड वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर, मतलब इतनी ब्यूटिफुली बनाया। तो वो दौड़ के जाती है पेगी के पास और पेगी से कहती है लेट मी सी योर पिक्चर, चलिए से मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ। अब वो कहती है व्हाट्स द मैटर, हुआ क्या है। मैडी कहती है लुक शी ड्रू यू, दैट्स यू। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि यार वांडा ने सिर्फ हमें पिक्चर गिफ्ट नहीं किया है बल्कि जो ड्रेस लड़की पहनी है, जो कैरिकेचर है, जो ड्राइंग है, वो हमारा है, उसने हमें ड्रॉ किया है। व्हाट डिड आई से। अब वो कहती है, पेगी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, वो कहती है मैं क्या कहूँ यार, मतलब सच में हमें वांडा बहुत पसंद किया करती थी। यस शी मस्ट हैव। मैडी बहुत दुखी रहती है, फिर भी वो उसके आंखों में आंसू आ जाता है एंड वो इमेजिन करती है उस वांडा को जो अकेले अपने स्कूल के बाहर जो यार्ड है वहाँ पे धूप में खड़ी है, चुपचाप खड़ी है बिना किसी से बात किए हुए, एंड सभी लोग उस पे हंस रहे हैं जब भी वो बोलती है श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैडी खुद को माफ़ नहीं कर पाई। एंड एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जब वांडा ने ये ड्राइंग्स बनाई थी तब बनाई थी जब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, जब पेगी उसका मजाक उड़ा रही थी, जब मैडी चुपचाप वो सारी चीज़ें देख रही थी, तो तब पर भी वांडा के मन में कोई बैड फीलिंग्स नहीं थे। वो इतनी इनोसेंटली लोगों को माफ़ कर देती है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी बेटा। एंड गिल्ट रह गया मैडी के मन में एंड मे बी दैट वॉज द रीज़न जो मैडी है, जो हमारी ईस्टर हैं, जो ऑथर हैं, वो आज भी जब तक वो ज़िंदा रहीं तब तक वो गिल्ट फील करती रहीं
कि काश मैंने ना किया होता, काश मैंने स्टैंड लिया होता. सो चैप्टर कंप्लीट है. आई जस्ट होप कि क्लियर होगा बेटा कि बुली कितना गलत होता है, किसी का मजाक उड़ाना कितना गलत होता है, किसी को कोई हमसे डिफरेंट है तो उस चीज़ के लिए हम उसका उसको उसको नीचे देखें अपने खुद से, वो चीज़ गलत होती है. सो नेवर मेक फन ऑफ एनी वन, ट्रीट एवरी वन इक्वली. मे बी अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो और कल उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो बेटा आप खुद को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाओगे. सो अगर अपनी क्लासरूम में या अपनी क्लास में कोई क्लासमेट है जिसका आप मजाक उड़ा रहे हो और आपको अभी तक रियलाइज़ नहीं था कि या तो मैं तो मजाक उड़ा रहा था, मेरा तो इंटेंशन नहीं था कुछ भी गलत करना, मेरा तो ऐसा नहीं था ना कि मैं उसको मेंटली परेशान करना चाहता था, तो इस स्टोरी के बाद आप रियलाइज़ करिए कि पैगी का भी इंटेंशन नहीं रहता है, मैडी का भी इंटेंशन नहीं रहता है, बट फिर भी वांडा हर्ट होती है. एंड दूसरी चीज़, ऑलवेज रेज योर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस. अगर कोई आपका फ्रेंड, कोई जानने वाला किसी के साथ गलत कर रहा है, मे बी आपका रिश्ता ख़राब हो, उससे मतलब नहीं है, जस्ट स्टिक टू विद द जस्टिस. मतलब आप हमेशा जस्टिस के साथ रहो, आप हमेशा सच के साथ रहो, किसी के साथ अपने आसपास गलत ना होने दो, कोशिश करो कि अपनी आवाज़ को उठा सको. सो दैट्स इट फॉर टुडे, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. आई जस्ट होप कि आप लोग को चैप्टर क्लियर होगा. क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे एंड डिस्कस करूँगी सारे क्वेश्चन आंसर्स, डोंट वरी. तब तक आप लोग ये दोनों पार्ट्स क्लियर कर लीजिएगा. एंड If you will have any query related to this chapter, just comment me in my comment box and definitely I'll reply you back. Okay? So just take care of yourself and try to be more human every day. Bye-bye.